ये देखिए हमारी चीज कॉर्न बॉल्स बनके रेडी है। मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए कितने करारे से हैं और ये देखिए दोस्तों आप लोग कैसे हैं? आप मुझे देख रहे हैं स्वाति की किचन में, जिसकी टैगलाइन है कुक फॉर विद लव। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए आए और मेरा पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो लाल वाले सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करिए और साथ ही बेल के आइकन पर भी क्लिक करिए, ताकि मेरे आने वाली नई नई रेसिपी और समर स्पेशल रेसिपी आपको सबसे पहले मिलती रहेंगी। तो आइए देखते हैं हमें क्या क्या चाहिए चीज कॉर्न बॉल्स बनाने के लिए। तो यहाँ मैंने स्वीट कॉर्न ले लिए हुए हैं, इसको हम थोड़ा सा चॉप कर लेंगे। अगर हम साबुत डालेंगे तो जो हम जो बॉल्स बनाएंगे वो हमारी फट जाएंगी। ये देखिए मैंने स्वीट कॉर्न को चॉप कर लिए हुए हैं और इसको हम एक बॉल में निकाल लेंगे। इसी के साथ में मैं ये चॉप किया हुआ प्याज, चॉप किया हुआ शिमला मिर्च और ऑरेंज कैरेट है, इसको मैंने एक साथ में ही चॉप कर लिया था। और दो बॉयल आलू डाल लेंगे, ये मैंने ग्रेटर की सहायता से ग्रेट कर लिए हैं। और अब हम इसमें डालेंगे चीज, तो ये चीज भी मैंने ग्रेटर की सहायता से ग्रेट कर लिया है। और अब हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे, 1 टीस्पून ऑर्गेनो, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, और इसको अच्छे से हम मिला लेंगे हाथों की सहायता से। ये देखिए अच्छे से मैंने सारी चीजों को मिला लिया है। और अब हम इसकी छोटी छोटी बॉल्स बनाएंगे। हल्का सा हाथ पे आप कुकिंग ऑयल लगा लीजिए, फिर इसकी हम छोटी छोटी बॉल्स बनाएंगे। ये देखिए ऐसे। और अगर आपका ये बाइंड नहीं हो रहा है तो आप इसमें आलू को और मिला सकते हैं, अच्छे से बाइंड हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से हम इसकी बॉल्स बना के रेडी कर लेंगे। ये मैंने बॉल्स बना लिए हैं, ऐसे छोटे या बड़े जिस साइज में आप बनाना चाहें। अब हम एक बॉल में 2 टेबलस्पून मैदा और 2 टेबलस्पून कॉर्न स्टार्च लेंगे और इसका हम एक घोल बना लेंगे। और जो घोल बनाना है वो हमें बहुत पतला नहीं बनाना है, गाढ़ा ही रखना है, ताकि ये अच्छे से इसमें डिप हो जाए। और इसी के साथ में मैं इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे, 1/2 टीस्पून ऑर्गेनो और चिली फ्लेक्स 1/2 टीस्पून, और अच्छे से सबको मिला लेंगे। ये देखिए मैंने घोल बना लिया है, बहुत पतला हमें नहीं बनाना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये मैंने ब्रेड क्रम्स लिए हुए हैं और अब हम इसको इसमें डिप करेंगे ऐसे। और अब हम इसमें इसको ये डाल दिए, इसको ऊपर लगा देंगे अच्छे से। ये देखिए हाथ से गोल गोल कर देंगे इसको, इस तरह से हम बना के रेडी कर लेंगे। और इसको हमें 2 बार डिप करना है, एक बार हम सारे बना के रख लेंगे, फिर हम दोबारा से इसमें डिप करके फिर दोबारा से ब्रेड क्रम्स लगाएंगे। ये इसलिए है क्योंकि हमने इसमें चीज डाली है, तो चीज बहुत जल्दी मेल्ट हो जाती है, इसलिए हम इसको 2 बार डिप करके बनाएंगे। देखिए ऐसे ये हम इस तरह से बना के रख लेंगे एक बार। देखिए मैंने ये सारे ब्रेड क्रम्स इसके ऊपर लगा ली हैं। अब हम एक बार इसको और डिप करेंगे जो मैंने गोल बनाया था, और फिर से हम इसमें डिप करके फिर हम इसके ऊपर एक बार ब्रेड क्रम्स और लगा लेंगे, ताकि ये हमारे जो है बॉल फटेंगे नहीं, अच्छे से डीप फ्राई हो जाएंगे। इसको गोल कर लेंगे। ये देखिए इसको भी मैं अलग प्लेट में रख लेते हैं। इसी तरह हम सारे बना लेंगे दोबारा से। देखिए मैंने इसको दोबारा से घोल में डाल के और फिर दोबारा से ब्रेड क्रम्स लगा के रेडी कर लिए हैं। और जो मैंने कढ़ाई में जो कुकिंग ऑयल रखा था वो भी अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम इसको एक बार उठा के हाथ से दोबारा से इस तरह कर लेंगे और ये मुझे डाल देंगे। ये देखिए पहले हमें एक ही डालना है। ये देखिए अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो रहा, तो हम और डाल देते हैं इसी के साथ में गोल गोल करके। और इसे हमें बहुत ज़्यादा देर तक डीप फ्राई नहीं करना है। ये देखिए इस तरह से हमें इसको निकालना है। ये देखिए हमारे सीख चुके हैं, गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, और मैं इसको निकाल लेती हूँ एक एक करके। कितना अच्छा कलर आया है, और आप कढ़ाई में भी देख सकते हैं बिल्कुल भी हमारे फटे नहीं है। ये देखिए एकदम जैसे गुलाब जामुन की तरह ही हमारे सीखे रेडी हो गए हैं। ये देखिए
ये देखिए हमारे चीज कॉर्न बॉल्स बनके रेडी हो गए हैं। और अगर आपको आज का ये मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। मिलते हैं फिर एक नई रेसिपी के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।